हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हम तारीफ करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से गुप्त करने वाली करुणा में, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति महिमा तारीफ हो पिता परमेश्वर। नया जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर सुबह आज का जो सुबह को दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की सुबह को देख नहीं पाए, वो प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर पिता आपने सभी भाई बहनों को नई सुबह दिया, नया जीवन दिया और अपने सांसें दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी भाई बहन परमेश्वर की तारीफ करें, सभी भाई बहन प्रभु यीशु की स्तुति करें। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु की महिमा स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज हम देखते हैं कि सारे व्यक्ति अपने जीवनों में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। किसी से भी पूछो तो वो बोलेगा कि मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे इस तरह की आशीष चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे द्वार चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। हालेलुया, प्रभु सब कुछ आपको देना चाहता है। प्रभु ये नहीं कहता मैं तुझे नहीं दूंगा, प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष देने आया, मैं तुझे क्या करने आया हूँ, मैं तुझे उठाकर सीधा खड़ा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। कई लोगों के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कई लोगों के जीवन में पैसे होने के बावजूद भी, हालेलुया, लेकिन कई लोगों के जीवन में पैसे होने के बावजूद भी आज उनके घरों में शांति नहीं है, बल्कि अशांति ही है। हालेलुया, कई लोगों के पास जीवन में पैसे हैं, धन दौलत है, अब सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है? हालेलुया, वो उस शांति नहीं, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। हालेलुया, परिवार में एकजुटता नहीं है, एक कम हो इधर तो दूसरे कम हो उधर, मतलब कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता, मतलब नफरत और घृणा और इस तरीके से परिवार भी भरा हुआ है। प्रभु आज आपके लिए आया है, इन सब बातों से छुटकारा देने के लिए आया है, आपके मनों में शांति देने के लिए आया है। आपके जीवन में यदि कोई डर में है, कोई भय में है, उस डर और भय को निकालने के लिए आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, आज वो भी परमेश्वर से उनका मन जो दूर होकर दिखाई देता है, वो ब्लेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आज वो आशीषित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ नाम के ही एक मसीह हो के हैं। हाँ ठीक है, उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया, बस दैट्स इट, वो उतने दिन तक ही रहा, लेकिन उसके बाद अब क्या है? आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने मन फिराया, पश्चाताप किया, आपको छोड़ दिया, उद्धार पाया, लेकिन अब भी आपको लगता है कि मेरी जिंदगी एक बोर के समान है। आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली मसीही नहीं बन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर नहीं करते हो। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सचमुच में यदि आप अपने जीवन को सरेंडर करोगे प्रभु यीशु मसीह को, अपने आत्मा प्राण शरीर को सरेंडर करोगे और उसके वचन पर चलने के लिए अपने आप को सरेंडर करोगे, रोज प्रार्थना में मांगोगे, रोज आपको क्या करना है? प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा अनुग्रह जो है प्रति भोर को नहीं होती जाती, तो जो भोर को प्रार्थना करता है उसको परमेश्वर नया अनुग्रह देता है। काम करने से पहले, फोन में बात करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको पहले प्रार्थना करना है जब सुबह उठते हैं, ताकि परमेश्वर को नया अनुग्रह दें। हालेलुया, प्रार्थना करें सुबह में उठ के, ताकि परमेश्वर हर एक मिसहैपनिंग से, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर को बचाए। कई लोग सोचते हैं नहा के प्रेयर करेंगे, ठीक है वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या पता बाथरूम में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका मतलब कोई स्लिप कर सकता है। सबसे पहले आपको स्तुति करना है, बैठ जाओ बेड के पास में, चटाई बिछी तो रहती है रात को, हाल किसी लोगों के घर में नहीं, तो आप प्रार्थना करो, वहीं पर घुटने टेक के स्तुति करना शुरू, मुंह धो तो बस तुरंत बैठ जाओ, परमेश्वर से ग्रेस मांगो, वो अनुग्रह मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि आपका सारा दिन वो आशीषित रहे, सारा दिन ब्लेस रहे और हर एक खतरों से, हर एक हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपको बचाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपको कैसा मसीह बनना है? प्रभावशाली बनना है, नाम के मसीह नहीं है। नाम के मसीह को तो देख के शैतान भी बहुत मजा लेता और हंसता है, आप चाहते हैं शैतान आप पर हंसे, आप चाहते हैं कि शैतान आपकी खिल्ली उड़ाए, आप चाहते हैं कि शैतान आप पर दोष लगाए, यदि नहीं तो आपको एक इफेक्टिव मसीह बनना है, आपको प्रभावशाली क्या बनना है? परमेश्वर का जन बनना है। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभावशाली मसीह, हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, 70 चेले जो प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे, अब जाते 70 के बाद धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि वो प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चल नहीं पा रहे थे।
हालेलुया। 70 में से कम होते गए फिर परमेश्वर ने 12 को चुना। 12 में से भी जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रिय चेला, जो बिलव्ड वन, जो चेला था, वो सब वो तीन थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते थे। जहां यीशु जाता था वे वहां उसके पीछे पीछे जाते थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। तीनों जन, हालेलुया, याकूब, पत्रस और यूहन्ना, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और वो तीनों को परमेश्वर अति प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के यीशु के पीछे चला करते थे। हालेलुया। आज यदि अब और वो इसीलिए तो वे इफेक्टिव होकर दिखाई दे। देखो 70 चले थे, लेकिन उसमें भी छंटते गए। वो कई लोग छोड़ दिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहा। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो। आपको क्या करना है? इफेक्टिव, प्रभावशाली मसीह बना, जैसे वो तीन चले थे। प्रभु उनसे अति प्रसन्न था क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते थे। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर का प्रिय जन बनना है। प्रभु क्या कहता था आपको? ये तो मेरा मन के अनुसार है, मेरा प्रिय है। दानियल को परमेश्वर क्या कहता है? ये तो मेरा प्रिय जन है। अब्राहम को परमेश्वर मेरा मित्र कहता है। क्यों? परमेश्वर उन लोगों को क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को करते थे, उसकी मर्जी को करते थे, बिना सवाल उठाए, बिना क्वेश्चन किए हुए हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो प्रभावशाली होकर बदले परमेश्वर वो उन्हीं लोगों का बिजनेस टॉप लेवल में जाता है। उन्हीं का जीवन आशीषित रहता है, ब्लेसेड, जो सब लोगों के जीवन से एकदम हटके होता है, जो परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं उसकी मर्जी को पूरा करने के द्वारा, उसके पीछे पीछे चलने के द्वारा। हालेलुया। और बिना क्वेश्चन किए हुए अय्यूब को परमेश्वर कहता, देख मेरा दास, मेरे दास को देख, अय्यूब को, उसके तुल्य तो न तो कोई खरा है, न तो सीधा है। परमेश्वर उसकी आप गवाही देता है। आज आपके जीवन के बारे में क्या गवाही है बताइए मुझे। परमेश्वर भी आपको बिलव्ड वन कहना चाहिए, मेरा प्रिय जन कहना चाहिए। तो मेरा प्रिय है, ये तो मेरा प्रिय बिलीवर्स है। आपको इफेक्टिव बनना है। हालेलुया। कैसे? क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन के पीछे चलने के द्वारा, परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा। कौन सा प्रेम? निष्कलंक प्रेम, अगापे लव, अनकंडीशनल लव, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको प्रिय बनना है। परमेश्वर का क्या बनना? प्रिय, बिलव्ड वन बनना है। और तब देखो फिर आशीष की बौछार। आपको प्रभावशाली और इफेक्टिव मसीह बनना है। हालेलुया। मतलब क्या है? आज दो तरह के मसीह लोग हैं, एक जो नाम के हैं और एक जो क्या लिखा है, मैं उसे मुकुट दूंगा, जो जो परीक्षा में स्थिर रहता, खरा निकल कर क्या होता है, जो जय पाता है और परीक्षाओं में निकलता है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। आपका पड़ोसी कितना भी आपको गाली दे, अब्यूजिंग वर्ड निकाले, लेकिन आप मुस्कुराते हैं। एंड यू आर इफेक्टिव मसीह, इफेक्टिव बिलीवर। हालेलुया, खरा मसीह। और तब शैतान तड़पता है, अरे मैं तो पड़ोसी को उभारा था, इसको गाली दे और तब इसके मुंह से मैं गाली निकलवा सकूं। शैतान की ये प्लानिंग होती है। क्या लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेगा? शैतान चूने को भी भरवाने की कोशिश करेगा। हो सकता है पड़ोसी के मन में आपके प्रति घृणा उत्पन्न करवाए, लड़ाई झगड़ा को डाले, लेकिन आपको बिल्कुल मौका नहीं देना। आपको उसके जैसे काम नहीं करना है, शैतान के जैसे। आपको इफेक्टिव मसीह बनना है। अरे वो गाली दिया तो मैं ना दूं? नो, गाली सुनकर गाली मत दे, तेरे मुंह से कोई गाली ना निकले, लड़ाई झगड़ा मत करो। हालेलुया। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि शैतान की यही कोशिश है कि आपको क्या कर दे, प्रभु यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश करता है। अपने मुंह से गलत वर्ड्स निकलवाना चाहता है कि आप क्या ना बन पाए, वो प्रभावी मसीह ना बन पाए। हालेलुया। जब आप प्रभावी मसीह कैसे बनेंगे? जब आप परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, उसकी मर्जी को पूरा करने के द्वारा। हालेलुया। आप कोई गलत चीज ना देखते, ना कोई आप किसी के प्रति कोई निंदा, ना चुगली, ना सुनते, ना करते हैं। यू आर इफेक्टिव मसीह। तो शैतान उनसे डरता, थरथराता और कांपता और उसके निकट भी नहीं आ सकता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब चाहते हैं कि शैतान आपको देखकर भाग जाए, मतलब कि आपके घर में भी प्रवेश न कर पाए। कोई महामारी, कोई कोरोना, कोई चीज आपके निकट नहीं आ पाएगी यदि आप इफेक्टिव मसीह हैं, यदि आप प्रभावशाली मसीह हैं, यदि आप खरे विश्वासी हैं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरी करते हैं, यदि आप मन में नम्र और दीन हैं। हालेलुया। आपके मन में कोई घमंड नहीं है। कई लोग तो दूसरे को तुच्छ ठहराते हैं, ये तो ऐसा ही है। हालेलुया। कल रात को परमेश्वर ने दो वचन के द्वारा बात की, चुंगी लेने वाला फरीसी के द्वारा। हालेलुया। चुंगी लेने वाला फरीसी क्या कहते, मैं इसके समान नहीं हूँ। और ये स्वभाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को सरेंडर करें एक प्रभावशाली मसीह होने के लिए, एक इफेक्टिव मसीह होने के लिए, एक आशीषित जन होने के लिए। हालेलुया। और जब ऐसा करोगे आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है, आपको बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में आशीषित रहे? कितने लोग चाहते हैं आपका बिजनेस ब्लेस्ड रहे? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन आनंदमय और शांति से भरा हुआ हो? सभी चाहते हैं।
है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। चाहे जो मर्जी हो जाए प्रभु यीशु, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं कभी ना डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। और जो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझसे कोई फर्क, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे बारे में क्या कहते हैं दिस इज द मैटर, ये मेरे लिए मैटर करता है, ये मेरे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। हालेलुया कि प्रभु आपके बारे में क्या कहता है, कि प्रभु आपके बारे में ये तो नहीं कहता कि ये तो ये खरा नहीं है। हालेलुया, तो ऐसे नामदारी विश्वासी आपको खरा बनना है, आपको नाम का मसीह नहीं, आपको प्रभावशाली मसीह बनना है। प्रभावशाली मसीह के बहुत सारे लाभ होते हैं, वो क्या है, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, वो एंट्री नहीं कर पाएगा, डर अशांति उदासीपन सब आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। हालेलुया, इसलिए आपको स्थिर रहना है प्रभु में, अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर की मर्जी को जिस उसकी इच्छा को पूरा करना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अय्यूब क्यों, उसका नाम क्यों दर्ज किया गया बाइबल में, क्यों लिखा गया, क्योंकि एक वो नाम मात्र का ही वो नहीं था कि नाम मात्र का बिलीवर्स, वो परमेश्वर पूर्ण रीति से भरोसा करता था। कई तो सिर्फ नाम मात्र के भरोसा करते, ठीक है भाई देगा तो ठीक है भरोसा करते, लेकिन उसका भरोसा इतना स्ट्रांग था, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन प्रभु मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखूंगा, मुझे तो तेरी ही आस है, मैं इसी शरीर में होकर तेरा दर्शन करूंगा कहता है। देखो उसका भरोसा एकदम कैसे था, वो स्ट्रांग, सब कुछ चले जाए लेकिन मैं तुझ पर जरूर विश्वास करूंगा, मैं तुझसे कभी पीछे ना हटूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, चाहे मैं मौत के नजदीक भी क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा आस तो तू ही है, मेरी आशा तो तू ही है, मेरा सब मैं सबका बढ़कर तू ही है। और इन बातों में भी अय्यूब ने कुछ पाप नहीं किया, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। आज आप भी अपने मुंह के बोलने के द्वारा चौकस रहें, आज जहां भी जाते हैं चौकस रहें, ताकि आप कोई गलत वर्ड्स ना निकालें, किसी को दुख ना दें, कोई गलत बातें ना निकले, कोई गलत चीज ना सुने। हालेलुया, ताकि कोई शैतान आपके जीवन में कोई दोष ना लगाने पाए। हालेलुया, जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, उसके आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हैं, तब सर पाता डस लेता है, तब शैतान को एंट्री मिल जाती है। इसलिए इसका एंट्री ही बंद कर दो, गलत काम ना करो, झूठ ना बोलो, बेमानी का काम ना करो, प्रभु यीशु से प्रेम करो, उसके पीछे पीछे चलो, एंड यू आर क्या बन जाओगे आप, या क्या बन जाओगे, इफेक्टिव मसीह होकर बन जाओगे, प्रभावशाली मसीह होकर बन जाओगे। इससे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन सरेंडर करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे गुप्त मन्ना दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा। जो प्रभु का डर मानता है उसकी आयु लंबी होती है। हालेलुया, आपको डरेंगे ना, घबराएंगे नहीं। कई लोग डर जाते हैं, शैतान दुष्ट आत्मा तंग करती, क्यों तंग करती है, क्योंकि अभी भी वो प्रभु में पूर्ण रीति से नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं, दोनों आपके जीवन में कम न होने पाए, और पवित्र आत्मा को अभिषेक को मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, आपको जरूरत है इस अभिषेक की, और तब वो मसा की, वो पूर्ण तरीके से वो क्या कर सुरक्षा करता है। हालेलुया, आइए अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते, हर एक जनों के यीशु के लहू में कवर करते, मदद सहायता करना, अनिग्रहकारी विलंब से कुप करने में तिकर नाम है। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु जी मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया कर देशु, दया कर देशु, दया कर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, दया कर दे, 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 दया कर दे। ओ रब गदिरड वश्यं तिरड बके तिरड मानी रबंक तिरड बक तिरड बगदिर, प्रभु मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। अनुग्रह कार्य विलंब से कुप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया कर दीजिए यीशु राजा, दया कर दीजिए यीशु राजा, दया कर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया, दया कर दीजिए, सबको अनुग्रह दे आगे पीछे पीछे चलने के लिए, मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने का सभी लोगों को आत्मा दे और अभिषेक दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। रब गतिरड वश्यं तिरड बके तिरड मानी रबंक तिरड बक तिरड बक तिर, दया कर दीजिए यीशु राजा। थैंक यू जीसस, प्रभु मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के यीशु के नाम कवर करती हूँ, प्रभु इफेक्टिव प्रभावशाली मसीह होकर बन जाए यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर, दया कर। ओ लॉर्ड जीसस, सबकी स्तुति में बता रहे, प्रार्थना करते रहे जीवन को
यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक गलत आदतों से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आदतों से आजाद हो जाए। ऐसी आदतें जो आपको अभी भी घेरे घेर के रखी हुई है, जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, ऐसी आदत से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। हालेलुया रब गदिर डब शंतर ने बेके तेरे नाम रब मदद कर सहायता कर। हालेलुया धन्यवाद 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 रब का तेरे नाम शंतर ने बेके तेरे डब गदिर डब गदिर। मैं प्रार्थना करती हूं जात कर यीशु के समर्थ नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए। ओ रब का तिरड वशन तिरड बके तिरड बगदिर प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर। हालेलुया दया कर दी दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए। ओ रब गदिरड वशन तिरड बके तिरड माने रवं का तिरड बगदिर प्रभु मदद कर सहायता का प्रार्थना करने का आत्मा दे। हर एक जन को यीशु मसीह के नाम कवर करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मदद करने वाला सहायता करने वाला ओ दया कर दीजिए दया कर दीजिए दया कर दीजिए। ओ रब गदिर डब शंतर रबके तिरण माने रवं का तिरण बगदिर बगदिर। हालेलुया दया कर दीजिए यीशु राजा दया कर दीजिए यीशु राजा रब का तिरण बशंतर रबके तिरण बगदिर बगदिर। दया कर दीजिए यीशु राजा दया कर दीजिए यीशु राजा दया कर दीजिए यीशु राजा। हालेलुया अनुग्रह दे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। प्रभु यीशु के समर्थ नाम स्पिरिट और दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती जब को प्रार्थना करने के लिए रोकती है। हालेलुया जो वचन पढ़ने के लिए रोकती है हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाए। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को समय धन्यवाद करते जो लोग बीमार यीशु के समर्थ नाम में हो जाए। हर बीमारी एक समस्या कोरोना हर एक महामारी गेट आउट यीशु के चंगाई देने के लिए धन्यवाद छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद रब गदिर डब शंतर रबके तिरड डब गदिर। प्रभु मदद कर सहायता का प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। सेनाओं के पिता परमेश्वर की स्तुति में तारीफ करते हैं भाई बहनों के यीशु के नाम कवर करती हूँ। सेनाओं के पिता परमेश्वर की स्तुति में तारीफ हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा को डांट के जीवन से के परिवार को गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। जो लोग शरीर से लेकर पांव तक जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। जिनको स्किन की डिजीज है जिनको ब्लैक फंगस है रब खतुर डब शंतर रबके तिरड डब गदिर डब गदिर। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु प्रभु यीशु की स्तुति हो। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से गोप करने मत करना मैं। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती इसी वक्त जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है बी हील एंड बी डिलीवर्ड चंगे हो और जात हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है बी हील एंड बी डिलीवर्ड चंगे हो जाओ। यीशु के लहू में कवर करते रहे जन को प्रभु यीशु के समर्थ नाम में जात हो जाओ। मैं प्रार्थना करते जाओ तो चंगे हो जाते यीशु के समर्थ नाम में। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद चंगाई देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसी वक्त जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए हर प्रकार के रोगों समस्या जाए हर एक कोरोना आपके जीवन से परिवार से गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया प्रभु छुटकारा दे दिए चंगा कर दे धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जो कर्ज में दबे हो फंसे यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु छुटकारा दे आपके रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती हूँ। आपके रुके हुए काम बनने लगे आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थ नाम आपका टूटा परिवार जुड़ जाए आपकी मैरिड लाइफ में जो परेशानी समस्या चल रही है यीशु के समर्थ नाम फिक्स करती हूँ। और एकता में एक कर देती पति पत्नी के जीवन को जो घर छोड़कर चले गए वापस आए जो पति छोड़कर चले गए वापस आए जिनकी पत्नी छोड़कर चले गई वापस आए जिनके बच्चे छोड़कर चले गए वापस आए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके परिवार को एक कर देती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट आपके पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ वीजा को डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हो परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। काम काज को ब्लेस करती हूँ। जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम किया हुआ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ नाम में। यीशु के समर्थ नाम में आपको मिल चुके यीशु के समर्थ नाम में। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपकी सैलरी जो रुकी हुई है रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आई रिलीज योर पेमेंट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आई रिलीज ब्लेसिंग्स यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया धन्यवाद करते हैं। दुष्ट आत्मा गेट से आजाद हो जाए। जो गंदी वीडियो को देखते हैं जो बुरे जो अपने अपने गलत मन पे जो उन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ नाम में गलत चीजों को देखने से आजाद हो जाए। हर एक गंदी वीडियो को देखने से आजाद हो जाए। बी हील एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक गंदगी आदतों से बुरी आदतों से आजाद हो जाए। हर एक नेगेटिव थॉट्स
तेरे विचारों से आजाद हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद और पवित्रता की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया प्रभु, अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु आपको जल्द आने वाले उसको तैयार करना पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह दिन के आने जाने मार्ग और सरदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक कर्मचारी यीशु के नाम में कवर करते, हर एक आर्मी जन को यीशु के नाम में कवर करते, कोरोना से हर एक महामारी से बचाना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, एक बच्चों के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपकी बीमारी जा चुकी है, हड्डी के रोग जा चुके हैं, हालेलुया शुगर और बीपी के प्रॉब्लम के समर्थन में ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया डिप्रेशन, हर एक अस्थमा, हर एक थायराइड की प्रॉब्लम, जो पीलिया है, जिनको कैंसर की बीमारी है, जो कि किडनी में प्रॉब्लम है, जिनको पेट दर्द हो रहा है, गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में प्रभु चंगा करते धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आनंदमय और शांति होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, प्रभु जल्द आने वास्ते तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पिता से मांगती हूँ, सुनने कबूल कर दीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमाई को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। आपके लिए प्रार्थना हो रही है, जितने कमेंट करते हैं और जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रार्थना लगातार हो रही है। डरे मत, घबराए मत, प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अपने स्टेट के प्रार्थना करें, इंडिया का प्रार्थना करें, चल भवन की जमीन का प्रार्थना करें, मेरे लिए मेरे परिवार का प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज में उपस्थित कर सके। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग अपने दशमांश को लेट पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं, डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रभु में बढ़ते जाए, वचन पढ़े रोजाना और प्रार्थना आपके जीवन में कम न होने पाए और पवित्र आत्मा को अभिषेक को मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, नया मसा दे। आपको रोज प्रार्थना करना है, इन बातों को हमेशा याद रखें। प्रभु में सदानंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।